हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल एजी लर्निंग विद जितेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में सिंगुलर नाउंस को प्लूरल नाउन में बदलने के नियमों का अध्ययन किया था, इन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दिए हुए आई बटन को दबाकर देखा जा सकता है। उसी क्रम में नियम नंबर 9, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ आर एफ ई हो तो एफ आर एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि नियम कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए कॉफ, कॉफ मीन्स होता है बछड़ा, सी ए एल एफ, सी ए एल एफ, कॉफ मीन्स बछड़ा। यहाँ पर इसका लास्ट अक्षर एफ है, इसको प्लूरल बनाते समय यफ को हटाकर वी ई एस जोड़ दिया गया है। अच्छा, अर्थात कॉफ का प्लूरल हो गया कॉप्स, सी ए एल वी ई एस, कॉप्स। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, थीप, टी एच आई ई एफ। हमारे ऊपर दिए हुए नियम के अनुसार इसका अंतिम लेटर यफ है तो हम प्लूरल बनाते समय इस यफ को हटा देंगे तथा वी ई एस जोड़ देंगे, तो थीप का हो जाएगा थीप्स, टी एच आई ई वी ई एस, थीप्स। चलो नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउंस हैं जिनके लास्ट में एफ डबल एफ आर एफ ही रहते हैं लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इस नियम में कहता है, ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिसके लास्ट में एफ डबल एफ आर एफ ई रहते हैं लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हमने लिए हुए हैं, चीफ, सी एच आई ई एफ, चीफ मीन्स मुख होता है, इसका अंतिम अक्षर एफ है तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, चीफ एफ के बाद में यस जोड़ देंगे, चीफ्स हो जाएगा, सी एच आई ई एफ एस, चीफ्स। उसी प्रकार होता है बिलीफ, बिलीफ बी ई एल आई ई एफ, बिलीफ मीन विश्वास करना, अंतिम अक्षर एफ है, इसको प्लूरल बनाते समय एफ के बाद यस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा बिलीफ्स, बी ई एल आई ई एफ एस, बिलीफ्स। अब नियम नंबर 11 का अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउंस हैं जिनके बीच के वॉवेल्स को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ 11 नियम कहता है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउंस हैं, एक वचन नाउन हैं जिनके बीच के वॉवेल स्वर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। उदाहरण स्वरूप हमने लिया है फुट, एफ डबल ओ टी फुट, जब ये फुट मीन्स पैर होता है, जब इसको हम प्लूरल करते हैं तो क्या हो जाता है, एफ डबल ओ टी फुट का बीच के जो प्लूरल नाउंस हैं, सॉरी बीच के जो वॉवेल्स हैं एफ डबल ओ, उनको बदल कर डबल ई कर देते हैं तो फुट का हो जाता है फीट, एफ डबल ई टी फीट, फीट मीन्स बहुत सारे पैर होते हैं तो ये फुट का प्लूरल हो गया फीट। नियम नंबर 12 है, कुछ ऐसे नाउंस हैं जिनके अंत में ई एन और आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। नियम हमारा कहता है, कुछ ऐसे नाउंस हैं जिनके अंत में ई एन और आर ई एन होता है, सॉरी ई एन और आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया है चाइल्ड, सी एच आई एल डी, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, जब इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो इसके क्या करते हैं, आर ई एन जोड़ देते हैं तो चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन।
उसी प्रकार अगला उदाहरण लिया है ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल। जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसके अंत में क्या करते हैं, ईएन जोड़ देते हैं, ऑक्सन हो जाता है, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन। चलो नियम नंबर 13 है, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउंस के मेन वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउंस सामान्यता क्या हो, यहाँ पर नियम कहता है सामान्यता सिंगुलर कंपाउंड नाउन संयुक्त संज्ञाएं होती हैं, जो एक से अधिक जुड़ी हुई संज्ञाएं होती हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउंस, के मेन वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कोई ऐसी नाउन या संज्ञा हो जो कंपाउंड हो, एक से अधिक कम नाउंस साथ साथ में जुड़े हो, ऐसे नाउंस को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, मेन वर्ड में जो उनका मेन वर्ड होता है उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया हुआ है सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए, सन इन लॉ, सन इन लॉ मीन दामादर, सन इन लॉ। जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो इसमें मेन शब्द सन है, तो सन में क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा प्लूरल सन्स इन लॉ। दूसरा शब्द लिखा पासर बाई, पासर बाई मीन पास से गुजरने वाला, पासर बाई इसका मेन शब्द है पासर, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो पासर में यस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा पासर्स बाई, पी ए डबल एस ई आर एस बी बाई, पासर्स बाई। नोट, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउंस हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, मैन के बॉबल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउंस हैं, संयुक्त संज्ञाएं हैं जिनके अंत में मैन रहेगा, एम ए एन मैन रहेगा, तो ऐसे नाउंस को जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस मैन के शब्द को प्लूरल में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए हमने लिखा है किन्समैन, के आई एन एस किन्समैन, एम ए एन किन्समैन, जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा किन्समैन, एम ई एन, मैन का प्लूरल मैन होता है। उसी प्रकार नोबेल मैन, एन ओ बी एल ई, नोबेल मैन, जब इसका प्लूरल बनेगा तो क्या हो जाएगा, नोबेल मैन। ध्यान दें, यहाँ पर हमने अटेंशन के लिए कुछ दिया हुआ, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउंस हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है लेकिन सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये ऊपर वाले नियम का अपवाद कह सकते हैं आप, कि ऐसे भी कंपाउंड नाउंस हैं जिनके लास्ट में मैन रहेगा, एम ए एन मैन रहेगा, लेकिन फिर भी वो प्लूरल बनाते समय उनमें हम क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्थ मैन, एन ओ आर टी एच एम ए एन, नॉर्थ मैन, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ मैंस, एन ओ आर टी एच एम ए एन एस, नॉर्थ मैंस। ब्राह्मण, बी आर ए एम ए बी आर ए एच एम ए एन, ब्राह्मण, ब्राह्मण का हो गया ब्राह्मण्स, बी आर ए एच एम ए एन एस, ब्राह्मण्स। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं, तथा आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।